हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आपको बताने वाले हैं हरियाणा के अंदर एक और सरकारी स्कूलों के अंदर डायरेक्ट जॉब आ चुकी है। 22 के 22 जिलों से मेरा भाई और मेरी बहन कोई भी लगना चाहता है, मेल और फीमेल दोनों लग सकते हैं, जिसके अंदर आपको सरकारी स्कूल में टीजीटी पीजीटी के पदों के ऊपर कोई भी लगना चाहता है, मास्टर लगना चाहता है, सरकारी स्कूल में लगना चाहता है, तो बिल्कुल आराम से इंटरव्यू बेस पर जॉब आई है। ये कौन से जिले में जॉब रहने वाली है, किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपका इंटरव्यू शेड्यूल आ रखा है और किस प्रकार से पूरा सिस्टम होने वाला है, इस वीडियो में आपको हर एक जानकारी पता चल जाएगी। टीजीटी के कितनी पोस्टें होंगे, पीजीटी की कितनी होंगी, स्पेशल टीचर कितने लिए जाएंगे, हर चीज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। 40 50 55 60 65 नंबर आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जुड़ पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाली है, मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो बिल्कुल आराम से इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट आते हैं पूरे हरियाणा में, कोई भी नौकरी आती है, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूनिट चैनल पर हर एक जानकारी मिल जाती है। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें आपको पूछनी हो, बिल्कुल आराम से मुझे कभी भी आप कमेंट करके पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिए, हर एक अपडेट्स वहां पर आपको रेगुलर मिलेंगे। कोई डाउट होता है तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं वो आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बनाए जाते हैं। वहां पर बिल्कुल आराम से जो भी आपके डाउट्स होते हैं बिल्कुल आराम से पूछा करो, मैसेज किया करो, और हमेशा आपको सबसे पहले हर एक जानकारी प्रोवाइड कर दी जाती है। 22 जिलों के अंदर जो भी भाई और बहन लगना चाहता है टीजीटी के पदों के ऊपर, पीजीटी के पदों के ऊपर, उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि कहां पर किस प्रकार से क्या सिस्टम होने वाला है। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये अपडेट आप सभी के सामने रहने वाला है। आज का जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग आप सभी के सामने आ चुकी है। पीएम श्री जो केंद्रीय विद्यालय पलवल के अंदर है, न्यू रोड काराना पलवल हरियाणा के अंदर, आपको पता है अगर पलवल जिले के अंदर कोई लगना चाहता है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, अपना जो 2024 के संविधा के आधार पर आपको नियुक्ति दी जा रही है, अगर कोई लगना चाहता है तो वॉक इन इंटरव्यू आपके कार्यक्रम के अनुसार जो सारा सिस्टम लिया जाएगा। तो अगर आपको नौकरी दी जा रही है पलवल जिले से, मेरी बहन कोई भी बिलोंग करती है, अगर इस वीडियो को सुन पा रही है तो अपने ही जिले में वो काम कर सकती है, अगर दूसरे जिले से जो भाई वहां पर काम कर सकता है पलवल जिले में जाकर, तो वो भी इस वीडियो को बने रहे। और पूरी की पूरी वीडियो पर आपको पूरा डिटेल से समझना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए किस प्रकार से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, क्योंकि भाई और बहनों हरियाणा का एक भी ऐसा जिला नहीं है जिसके अंदर जॉब आए और आपको पता ना चले। आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, अगर आप आज हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपके जिले में कोई भी जॉब आती है, किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है, तो आपको भी इसी प्रकार से हर एक जानकारी यूट्यूब चैनल पर तो मिली जाती है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी हम शेयर कर देते हैं, वहां पर भी आपको हर एक जिले की जो जो अपडेट आते रहते हैं कंटिन्यू मिलेंगे। सबसे पहले हर एक जानकारी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आइए इस वीडियो में क्या लिखा गया और क्या आपको बताने वाले, हम आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। शैक्षणिक योग्यता 2024-25 के संविधा के आधार पर जो आपका नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने के लिए वॉक इन इंटरव्यू का कार्यक्रम सुबह 9 बजे विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। पात्रता मापदंड और अन्य विवरणों के लिए विद्यालय की जो वेबसाइट है https://palwal.kvs.ac.in, इस पर जाकर देखिए। योग्य इच्छुक उम्मीदवार विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आवेदन पत्र डाउनलोड करना चाहता है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट डाल रखिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाएंगे उस टाइम वो फॉर्म वहां पर आपको भरवाएंगे। और पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को पद के लिए आवश्यक सभी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता की फोटोकॉपी एक सेट और मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि के समय साक्षात के उपस्थित हों, क्योंकि इसमें लिखा गया है जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसको अच्छे से लिखकर और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी फोटोकॉपी लगाकर एक सेट बनाकर अच्छा सा वहां पर आपको लेकर जाना पड़ेगा। जब आपका इंट्री होगा वो चीजें आपको आगे पेश करना पड़ेगा, जो भी वहां पर अधिकारी होंगे उनके सामने वो दिखाना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है, फॉर्म में आपने क्या क्या लिखा है, वही डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में आप अटैच कर देना, सबकी फोटोकॉपियां। इसके आगे जो पद होने वाले हैं वो किस प्रकार से होने वाले हैं, साक्षात्कार जो योग्यता की तिथि के हिसाब से जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो किस प्रकार से लिया जाएगा, सुबह 9 बजे 28 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है, बुधवार का दिन होगा, अंग्रेजी का स्नातकोत्तर जो शिक्षक होंगे उनका होने वाला है, अंग्रेजी हिंदी गणित भौतिक ज्ञान रासायनिक विज्ञान जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान वाणिज्य अर्थशास्त्र, ये सभी जो शिक्षक है ये आपको लिए जाएंगे। प्रशिक्षित स्नातक जो शिक्षक होंगे अंग्रेजी के होंगे
होंगे, हिंदी के होंगे, गणित के होंगे, विज्ञान के होंगे और सामाजिक विज्ञान के होंगे। इस प्रकार के जो ये सब्जेक्ट डाल रखे हैं, ये 28/2/2024 को जो सामान्य आपके टीजीटी पीजीटी की जो पोस्ट है उन सबके लिए ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर मेरी बहन कोई भी लगना चाहती है तो बिल्कुल आराम से अपना इंटरव्यू देकर आ सकती है। पलवल जिले से जो भी भाई और बहन वीडियो को देख पा रहे हैं उन सबको बताना चाहूंगा कि 28 और 29 तारीख को जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप इंटरव्यू जरूर देकर आए। 29 तारीख का जो प्राथमिक शिक्षक और आपका बाल वाटिका जो शिक्षक होते हैं, प्राथमिकता शिक्षक होते हैं, काउंसलर वगैरह, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, योगा शिक्षक हो गया, कंप्यूटर प्रशिक्षण हो गया, खेल शिक्षण हो गया, जो स्पेशल एजुकेटर होंगे, जो भी अपना स्पेशल कोर्स कर रखे हैं शिक्षक के रिगार्डिंग, वो 29 तारीख को गुरुवार के दिन अपना सुबह 9 बजे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाए। इस प्रकार का यह शेड्यूल आपके सामने रहने वाला है। पलवल जिले का जो केवीएस स्कूल है उसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अगर आपका कोई भाई है, आपकी बहन है, अगर उस तक भी अपडेट्स पहुंचाइए, क्योंकि उसको भी पता चलना चाहिए पलवल जिले में इस प्रकार का अपडेट्स आ रखा है, पलवल जिले में नौकरी आ रखी है। कोई भी लगना चाहता है तो बिल्कुल आराम से पूरा का पूरा वीडियो आपको डिटेल से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक डाल रखा है इसके ऑफिशियल, वहां से आप खुद भी चेक कर सकते हैं, साथ में मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से मुझे मैसेज करके पूछिए। हमेशा आपको सबसे पहले हर एक जानकारी मिल जाती है, सपोर्ट किया जाता है, जो भी डाउट्स होते हैं बिल्कुल आराम से पूछा करो, और हमेशा आपको सभी भी अपडेट्स आते रहेंगे, पूरे हरियाणा में सबसे पहले आपको जानकारी दे दी जाती है। नोट में क्या लिखा गया है कि साक्षरता भाग लेने वाले जो भी टीए डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा, आपको किसी प्रकार का आने जाने का कोई भी खर्चा नहीं देगी सरकार, और कोई भी एक भी पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू के शेड्यूल में आपको एक भी पैसा कहीं पर पे नहीं करना है। आने जाने का जो भी खर्चा होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह, आपको नहीं दिया जाएगा, अपने पैसे से आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा। इन्होंने सारी चीजें पहले ही डाल रखी है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार के जो भी आपके जिले में भी अपडेट्स आते रहते हैं, आपके जिले में जो सरकारी स्कूल्स है उसमें भी इस प्रकार की नौकरी आती रहती है, सबसे पहले हर एक जानकारी प्रोवाइड कर दी जाती है हमारे चैनल पर। जो भी आज स्टूडेंट नए आए, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो भी आपको जानकारी देते हैं, 100% रियल जानकारी मिलेगी, स्टिक जानकारी मिलेगी और विशेषण जानकारी मिलेगी। क्योंकि भाई गुरु बहनों, आपके लिए जो भी पूरे हरियाणा में नौकरी आती है, चाहे एक पोस्ट के लिए आए, चाहे हजार पोस्ट के लिए आए, हमेशा आपके बीच में शेड्यूल आएगा, हमेशा पहले सबसे पहले जानकारी मिलेगी, हर जिले की जानकारी मिलेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर कोई पुरानी से पुरानी भर्ती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा, किसी प्रकार का कोई भी विषय समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आज तक आपको कोई ऑफर लेटर मिला है, नहीं स्कोर कार्ड आपको चेक करने आ रहा है, तो एक बार मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारे के सारे जो भी आपके डाउट्स होते हैं स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, मैसेज कर लिया करो, हमें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम भी अच्छे से उन चीजों का रिप्लाई कर पाएंगे आप सभी को। तो भाई और बहनों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होता है तो बिल्कुल आराम से पूछा करो, नहीं आपको डाउट होता है तो बिल्कुल आराम से जो भी चीजें पूछनी हो किसी भी विषय में, बिल्कुल आराम से मैसेज किया करो, कॉमेंट किया करो, जो भी आप कॉमेंट करेंगे हम उसका भी रिप्लाई करते हैं। तो भाई और बहनों, जाते जाते वीडियो आपको कैसा लगा, ये अपडेट कैसा लगा, सभी भाई और बहन कॉमेंट जरूर करते जाना, जो भी आप कॉमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।